आज सुबह तड़के 5:30 बजे चारों दोषियों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया और 6 बजे उनकी मौत का ऐलान भी कर दिया गया। आपको बता दें, यह पहला मौका है जब तिहाड़ में 4 अपराधियों को एक साथ फांसी की सूली पर लटकाया गया। जैसे ही चारों दोषियों की मौत की खबर आई तो लोगों ने ट्विटर पर निर्भया की मां और उनके पूरे परिवार को बधाई देना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग खुश हैं कि आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिल गया। इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने भी ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन शेयर किया है। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, सजाए मौत आखिरकार, मुझे पता है कि हमसे देरी हो गई निर्भया। गंभीर ने ये ट्वीट सुबह 9 बजे किया जो काफी वायरल हो गया। आपको बता दें, उनके इस ट्वीट को अब तक 7,000 से ज्यादा लाइक्स और 500 से ज्यादा रीट्वीट्स भी मिल चुके हैं। आपको बता दें, 16 दिसंबर 2012 को पैरामेडिकल छात्रा के साथ 5 लोगों ने पहले गैंग रेप किया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। 2013 में राम सिंह नाम के जिस मुख्य आरोपी को माना जा रहा था, उसने जेल में फांसी लगा ली। एक दोषी नाबालिग था, उसको 3 साल की कैद हुई। साल 2015 में वो कैद से बाहर आ गया तो 7 साल तक कोर्ट में केस चलने के बाद 20 मार्च 2020 को चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।